गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी हैव लर्न अबाउट सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड हाउ टू मेक अ सेंटेंस. नाउ द टाइम वी विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस. टाइप ऑफ सेंटेंसेस, देर आर मेन फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, imperative, and fourth one is exclamative. Here in your this session we will learn about declarative and interrogative. First, declarative sentences. There are two type of declarative sentences. First is positive and second one is negative. Positive sentence mein kya hota hai, जो सिंपल स्टेटमेंट होती है, हम किसी को कोई भी बात कहते हैं, वो होता है आपका डिक्लेरेटिव. सिंपल स्टेटमेंट कहलाता है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ये पॉजिटिव होता है और हमेशा एंड होता है फुल स्टॉप के साथ. दिस इज़ फुल स्टॉप. एग्जांपल, आई रीड अ बुक. मैं एक बुक पढ़ता हूँ. यह एक सिंपल सेंटेंस है. स्टार्ट होता है हमेशा कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप के साथ. इसी का दूसरा पार्ट आता है नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है जो अपोजिट हो किसी भी चीज़ के लिए, जिसमें जो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है जो ट्रू नहीं हो. नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट रीड अ बुक. इट ऑलवेज यूज वर्ड नॉट फॉर मेक इट नेगेटिव एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. ओके, सी अदर एग्जाम्पल. Negative sentence. Now see here. Negative sentence can be negative by adding not. What? Not in it. And negative sentence states something is not true or incorrect. Here you see example, David is a happy person. David is not a happy person. And where we will use not? We will use not after helping verb. Is helping verb. This sentence, now see other sentence. I will go to school. Here, which is helping verb? Will. Will is helping verb. And after will, we are using word not and making is negative. To make negative sentence, not is used after helping verb. Now, you can do exercise given. Thank you.